हाय गाइस, एमडीएच सांभर मसाला कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम देखेंगे एमडीएच सांभर मसाला का रिव्यू और इसकी रेसिपी भी। तो एक बारी ना पैक पे थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पैक के पीछे इसकी रेसिपी दी हुई है, चिंता मत करो, मैं बना के भी दिखाने वाली हूँ। ये 100 ग्राम का पैक है और इस सांभर मसाला के अंदर है धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, मेथी, बनारसी राई, काली मिर्च, इलायची और भी काफ़ी कुछ है इसमें। 100 ग्राम का जो ये पैक है, इसकी एमआरपी है 62 रुपीज़। 50 ग्राम का भी एक पैक आता है और इसकी शेल्फ लाइफ है 1 साल की। देखो, इनको स्टोर करने का जो आइडियल तरीका है वो तो एयर टाइट कंटेनर में रख के इनको स्टोर करना होता है। मैंने ये पैकेट ऑलरेडी ओपन कर रखा था और मैं इसको स्टोर पता कहाँ करती हूँ, फ्रिज जो होता है उसके फ्रीजर वाले बॉक्स में। तो उसमें रखने से ना मसाला हमेशा ड्राई रहता है, कभी भी उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और कभी भी उसमें मॉइस्चर भी नहीं आता है। तो इस पैक के ऊपर एक रबड़ चढ़ा देती हूँ और उसके बाद इसको स्टोर करके रखती हूँ। ये आधा यूज़ किया हुआ पैकेट है, अभी देखो कितना फ्रेश इसमें से निकला है। तो मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सांभर मसाला बिल्कुल फ्रेश है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। खुशबू जब इसमें से अच्छी आ रही है तो सांभर तो अच्छा बनेगा ही। अब आ जाते हैं रेसिपी पे। तो हमने यहाँ पे लिए 200 ग्राम अरहर की दाल और इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। मैंने यहाँ पे कद्दू को थोड़ा सा ले लिया था, गाजर ले ली है और ड्रम स्टिक ले ली है। आप चाहो तो इसमें मटर भी डाल सकते हो और एक थोड़ा सा बैंगन भी डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से धो लेंगे, साफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 750 ml पानी। 200 ग्राम दाल के लिए 750 ml पानी हमको डालना है, ये हमारा रहेगा रेशियो। और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे 3 से 4 सीटियाँ। हाई फ्लेम पे सीटी लगा दो, उसके बाद अपने आप विसल को नीचे आने देंगे, हमको सीटी निकालनी नहीं है। 4 सीटी के बाद विसल नीचे आएगी, दाल अच्छे से पक चुकी होगी। खुल जा सिम सिम, यस बिल्कुल परफेक्ट है। हमको ना इतनी ही थिकनेस चाहिए ताकि इसमें जो सब्जियां हैं ना, अब हम इसको मिक्स करेंगे तो सारी सब्जियां अपने आप ही इसमें सॉफ्टली मैश हो जाएंगी। अदरवाइज क्या करना होता है, आपको सब्जी अलग से बॉईल करके इसमें डालनी होती है। तो ये है हमारा इजी तरीका। अब मैंने यहाँ पे 20 ग्राम इमली को पानी में भिगो के और उसका पल्प निकाल के वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो 20 ग्राम इमली ध्यान रखिएगा। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो राई, छोटी वाली जो काली राई होती है वो डाल दिया, और 8-10 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता वो डाल दो। एक प्याज को बारीक काट लिया उसको डाल देते हैं, और प्याज को हमको ना 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। प्याज जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, इस कलर की हो जाएगी, ये देखिए ऐसी हो गई ना प्याज। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच सांभर मसाला, 2 बड़े चम्मच। सांभर मसाला को तेल में भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमको चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप जरूर करना। आप बाद में सांभर मसाला मत डालना, सोचो कि ऊपर से डाल के मजा आ जाएगा, वो नहीं करना है। अब जो उबली हुई हमारी दाल थी वो डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दें। क्या लगता है, हो गया? नहीं, हमने अभी नमक नहीं डाला इसमें, तो इसमें हमें नमक डालना है। 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब है जी लास्ट काम, आपके घर में रई तो होगी ना, बस इसको एक फाइनली रई से ऐसे मिक्स कर दीजिए ताकि जो मोटी मोटी हमको अरहर की दाल दिख रही थी ना वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और सांभर हमारा बनेगा एक जैसे टेक्सचर का, जैसे कि आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है। और टेस्ट वाइज तो इसमें कोई कमी होगी ही नहीं, क्योंकि हमने इसको एमडीएस सांभर मसाला से जो बनाया है। तो बस हो गया सब कुछ। अब गैस बंद करके और इसको निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। तो चलो फिर, अब आपको भी बनाना है यही सेम, और बताना है मुझे कमेंट्स में कि कैसा बना है। एक्चुअली पता है, इसका टेस्ट ना आपको रियल में बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल जो ढाबों में या रेस्टोरेंट में जो सांभर मिलता है, जो हम घर में वैसे नहीं बना पाते। अगर हम कितने भी मसाले डालें उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि आप एक रेडीमेड सांभर मसाला डालोगे तब आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड द वीडियो एंड द रेसिपी यूजफुल। Have a good day. Bye-bye.